इसको महाप्रसादम थाली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो है भोग लगता है मंदिर के अंदर और फिर उसके बाद ही जो है यहाँ पे ये सर्व होती है। ये देखिए गाइस कितनी ज्यादा कलरफुल लग रही है ये थाली, इसको कहते हैं यहाँ पे महाप्रसादम। तो गाइस यहाँ पे चालू हो गई है लगनी हमारी महाप्रसादम थाली। खीर, खीर दूसरा नंबर, बूंदी रायता, बूंदी रायता, चूरमा, चूरमा, दही बड़ा, दही बड़ा, वेजिटेबल खिचड़ी, वेजिटेबल खिचड़ी, हाँ जी, क्यार सांगड़ी। ये क्या होता है? ये राजस्थान की क्यार सांगड़ी, राजस्थानी सब्जी होती है। अच्छा, राजस्थानी सब्जी। दाना मेथी, दाना मेथी, मीठी चटनी, मीठी चटनी, लहसुन चटनी, लहसुन चटनी, मिर्ची टिपोरा, मिर्ची टिपोरा राजस्थान का फेमस यहाँ जो है ये हरी चटनी, हरी चटनी, आलू गोंडा, आलू गोंडा, खमन, खमन ढोकला, खमन ढोकला, हाँ, ये मिक्स वेज पकोड़ा, मिक्स वेज पकोड़ा, ये झर के भुजिया, भुजिया राजस्थानी भुजिया, दाल बाटी, ये रसम है, रसम जी, ये सांबर, सांबर, आज ये आ गई आलू प्याज की सब्जी, ये दाल मखनी हो गया, दाल तड़का, हाँ जी, चना मसाला, चना मसाला, हाँ जी, ये गट्टा मसाला, राजस्थानी गट्टा, राजस्थानी गट्टे की सब्जी, राजस्थानी कड़ी, राजस्थानी कड़ी, हाँ जी, मलाई कोफ्ता, पनीर बटर मसाला। ये देखिए गाइस कितनी ज्यादा कलरफुल लग रही है ये थाली, इसको कहते हैं यहाँ पे महाप्रसादम मसाला, पनीर बटर मसाला, मसाला राइस, राइस, जीरा राइस, ये आलू मटर सब्जी, आलू मटर की सब्जी। तो गाइस यहाँ पे देख लीजिए हमारी आ चुकी है महाप्रसादम थाली। ये देखिए इस कितनी बड़ी थाली है ये। ये पापड़ हो गया दो। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी महाप्रसादम थाली और गाइस कितनी सारी इसके अंदर आइटम्स हैं, आई गेस 30+ आइटम्स इसके अंदर जो हैं डाली गई हैं और यहाँ पे कितनी ज़्यादा कलरफुल लग रही है ये थाली। तो ट्राई करते हैं यहाँ पे जितनी भी डिशेस यहाँ पे इसमें डाली हुई हैं वो ट्राई कर लेते हैं और आपको इसका टेस्ट बताते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, इसको महाप्रसादम थाली इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका जो है भोग लगता है मंदिर के अंदर और फिर उसके बाद ही जो है यहाँ पे ये सर्व होती है। तो ये एक प्रसाद ही है हमारे लिए क्योंकि इसका भोग लगा है यहाँ पे। तो अब इसको ट्राई कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सारा जो है थाली में नहीं ट्राई करेंगे, अलग से ले लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा और हम लोग खा नहीं पाएंगे और वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग अलग से जो है इसको लेके ट्राई करेंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी यहाँ से गट्टे की सब्ज़ी से, राजस्थान की स्पेशल गट्टे की सब्ज़ी यहाँ पे दी हुई है और साथ में आपको मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे हमें 3 अलग अलग वैरायटीज़ की जो है चपाती दी गई है, लच्छा पराठा, मिस्सी रोटी और प्लेन तवा रोटी। तो यहाँ पर मैं इसको मिस्सी रोटी के साथ ट्राई करती हूँ और यहाँ पे रेयरली ही जो है अनियन एंड गार्लिक का यूज़ किया गया है, मतलब कुछ ही मेरे ख्याल से 3 से 4 आइटम्स है जिसके अंदर अनियन और गार्लिक यूज़ किया गया है क्योंकि वो अनियन गार्लिक के बिना जो है डिशेस प्रिपेयर नहीं हो सकती। तो इसका भोग लगता है इसीलिए जो है यहाँ पे अनियन और गार्लिक यूज़ नहीं किया जाता। टेस्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो है दाल नेक्स्ट ट्राई करते हैं, दाल मखनी यहाँ पे है तो हम लोग दाल मखनी ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी दाल मखनी यहाँ पे मैं लच्छे पराठे के साथ ट्राई करूँगी और गाइस यहाँ पे स्पेशल जो है मिर्ची के टिपोरे मिलते हैं, राजस्थान की बहुत ही स्पेशल ही अचार होता है तो इसको भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं। दाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रीमी और बटरी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगी मुझे दाल ये। तो गाइज़ ये नेक्स्ट हम लोग ट्राई करने वाले हैं यहाँ पे केयर सांगरी, मैं ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ तो लेट्स सी कैसा टेस्ट होने वाला है इसका। तो यहाँ पे ये प्लेन तवा रोटी के साथ हम लोग ट्राई करने वाले हैं, मतलब कुछ ना मेरे को बीन्स की तरह लग रही हैं ये जो मैंने पहले खाई हुई हैं। हम्म,
तो गाइस ये जो है राजस्थान की स्पेशल सब्जी है, तो अगर आपको भी इसका टेस्ट जाना है तो आपको आना पड़ेगा, वीडियो के एंड तक देखना, थोड़ा सा वेट करो। तो अब नेक्स्ट आइटम यहाँ पे ट्राई करते हैं। यहाँ पे ये राइस हैं, ये पुलाव यहाँ पे बनाए हुए हैं, राइस के अंदर काफ़ी सारे खड़े मसालों का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा है और काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है डाली हुई हैं, तो बहुत अच्छे हैं, मतलब स्पाइसी नहीं है, नॉर्मल ही है। और नेक्स्ट हम लोग अब मीठे पे मूव करते हैं, नेक्स्ट हम लोग चूरमा पे ट्राई जो है ट्राई करते हैं। काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसके अंदर देसी घी का और मावे का। आपको पता ही होगा कि जो है चूरमा आटे से ही बनता है, तो काफ़ी अच्छा लगा, मीठा नहीं था ज़्यादा, बैलेंस था मीठा काफ़ी। तो गाइस मेरे को ये थाली जो है काफ़ी पसंद आई, महाप्रसादम थाली बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैं इसका रेट आपको बता देती हूँ, 1400 रुपीज़ की यहाँ पे आपको ये थाली मिल जाएगी, और ऐसी और भी बहुत सी थालियाँ यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और ये वाली थाली जो है 4 से 5 जो है लोग आराम से बैठ के खा सकते हैं, मतलब फैमिली आती है छोटी तो वो इस थाली को ले सकती है और इसको एंजॉय कर सकते हैं साथ में बैठ के। आज हम लोग आए हुए हैं श्री मोटू राम प्रसादम पे, जो कि है जयपुर के अंदर। आपको इनकी लोकेशन ईजिली जो है गूगल मैप पे भी मिल जाएगी, और ऐसी और थाली ट्राई करने के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे 56 भोग भी यहाँ पे मिलता है, साथ में छोटी थालियाँ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो गाइज़ यहाँ का एम्बियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा पीस है यहाँ पे, और आप आराम से बैठ के जो है फैमिली के साथ आके अपना लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। आप लोगों ने भी ऐसी थाली, इतनी बड़ी बड़ी थाली ट्राई की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना। अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।